हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द प्रारब्ध साइंस क्लासेस। मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से हम वन लाइनर क्वेश्चंस लेके, वन वर्ड वाले। सबसे पहले एपिकल डोमिनेंस शोन बाय। एपिकल डोमिनेंस कौन शो करता है? हमारा कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सिन करता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एपिकल्स में पाई जाती है ना, वो ऑक्सिन ही पाया जाता है। और जब तक ये एपिकल होता है तो ये पेड़ ऊपर ही की तरफ बढ़ेगा। जब ये हमारा हट जाएगा तभी हमारा ये लेटरल फर सरफेस में बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, नेचुरल ऑक्सिन कौन सा होता है? इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। वैसे हमारे दो होते हैं, एक होता है IAA, ठीक है, IAA होता है, दूसरा होता है IBA। तो जो IAA होता है ये हमारा नेचुरल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडोल 3 इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड। और इसका क्या है? इंडोल बी का क्या हो जाता है? बी का मतलब ब्यूटायरिक होता है। ठीक है, बी का मतलब ब्यूटायरिक एसिड होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या है? सिंथेटिक है। ये सिंथेटिक है और ये हमारा क्या है? नेचुरल है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल है। सिंथेटिक ऑक्सिन में क्या होता है? जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, सिंथेटिक में हमारे ऑक्सिन पूछा है ना, सिंथेटिक में आपका आ जाएगा, इसमें हमारा पहला हो गया नैप्थलीन। नैप्थलीन होता है हमारा, ठीक है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, NAA इसको कहते हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड होता है। दूसरा हमारा इसमें होता है आपका 2,4-D, मतलब 2,4-dichloro, क्या होता है? 2,4-dichloro फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन। उसके बाद हमारा ये और आता है 2,4,5-T, तो 2,4,5-trichloro, क्या होता है? टी आ गया, मतलब ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्या होता है? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सारे हमारे कैसे ऑक्सिन है? सिंथेटिक ऑक्सिन है। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ IAA कौन सा है? प्रिकर्सर मतलब IAA का पूर्वगामी कौन है, इससे पहले क्या बनता है? ठीक है, तो इससे पहले आपका बनता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, क्या बनता है? ट्रिप्टोफैन बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के एसेंशियल के लिए क्या जरूरी है, सिंथेसाइज के लिए क्या जरूरी है? तो कौन सा एलिमेंट है वो? हमारा जिंक है, जिसको हम ZN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। अब हम बात करते हैं ऑक्सिन एसोसिएटेड विद वीट कंट्रोल। जो ऑक्सिन है उससे उसको अगर हम डालें तो वीट कंट्रोल कर सकते हैं। वीट मतलब क्या होता है? जैसे जो चीज़ हम खेती कर रहे हैं उसके साथ साइड में दूसरे और पेड़ निकल आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि खरपतवार कहते हैं जैसे हम, ठीक है, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या होते हैं? कुछ किसान हैं जिनको नहीं पता है तो वो हाथ से तोड़ तोड़ के निकालते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ये पेड़ों के ऊपर के आसपास डाल देते हैं। इससे पेड़ों को भी कोई नुकसान नहीं होता है, पेड़ों की ग्रोथ अपनी तरह से होती है, लेकिन आसपास जो उनके खरपतवार वीड्स निकलते हैं वो निकलने बंद हो जाते हैं। तो ऑक्सिन एसोसिएटेड विद वीड कंट्रोल, इसके लिए हमारा कौन सा काम करता है? 2,4-D, ये वाला काम करता है, 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है मैंने ग्रोथ इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ, जिसे हम मेजर करते हैं, जो हमारे ट्रीज की ग्रोथ होती है उसको हम मेजर करने के लिए सबसे पहले हमने एक जेसी बोस ने बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? जेसी बोस ने बताया था हमें क्रेस्कोग्राफ बताया था, जिससे हम मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और हमें पता है, उसका नाम है ऑक्सिनोमीटर। क्या नाम है उसका? ऑक्सिनोमीटर। ठीक है, ऑक्सिनोमीटर है। उसके बाद ये हमारा ये जेसी बोस ने सबसे पहले हमने पढ़ाई की थी,
इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। और ये क्या है, ऑक्सिनोमीटर, इससे हम आर्क मेजर कर लेते हैं। क्या मेजर करते हैं, इससे हम आर्क मेजर करते हैं, ठीक है। अब विच हार्मोन इनिशिएट रूटिंग, कौन सा हार्मोन हमारे रूटिंग को इनिशिएट करता है, ठीक है, बढ़ाता है, तो वो कौन सा होता है, ऑक्सिन होता है। कौन सा होता है, वो ऑक्सिन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक, ये क्या होता है, जो ये रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक होता है, ये हमारा एथाइलीन होता है। ये कौन सा एंजाइम होता है हमारा, एथाइलीन रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक होता है। इसमें क्या काम होता है, इसमें क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है प्लांट्स में जिसमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, और जैसे ही रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है वैसे ही एथाइलीन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, तो ये कब बढ़ता है, रेस्पिरेशन रेट कब बढ़ता है हमारे प्लांट्स में, जब फ्रूट राइपनिंग होने वाली होती है, मतलब फल बिल्कुल पकने वाला होता है, तब हमारा क्या होता है, एथाइलीन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और कब होता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, उसके साथ साथ क्या होता है, एथाइलीन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज के क्वेश्चंस, आई होप सो इतने समझ में आए होंगे आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट मैं और अभी दूंगी, ठीक है। देखते रहिए प्रारंभ साइंस क्लासेस और मिलते रहिए मुझसे। थैंक यू, टेक केयर क्लास।